जहरीली शराब कांड के बाद अब आबकारी विभाग कर रहा है शराब बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव। POS मशीन के जरिए होगी शराब की बिक्री। बीते महीनों अवैध जहरीली शराब को लेकर अलीगढ़ में कई दर्जन लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद आबकारी विभाग के कई लोगों पर कड़ी कार्रवाई शासन स्तर से की गई। अब इसी अवैध शराब की बिक्री को खत्म करने के लिए आबकारी विभाग POS मशीन के जरिए शराब की बिक्री करने जा रहा है। बिना POS मशीन के शराब के ठेकों से शराब की बिक्री नहीं हो पाएगी। इसे यूं समझिए कि अगर कोई बंदा शराब खरीदता है तो अब उसे शराब बेचने के दौरान सेल्समैन शराब की बोतल पर लगे बारकोड को स्कैन करना होगा। उसके बाद एक स्लिप बिल वाली निकल कर आएगी, जिससे शराब का निर्माण स्थल उसे पीने की अवधि रुपए सब कुछ उस बिल की प्रति पर दर्शाया गया होगा। ये सब कुछ अवैध शराब की बिक्री पर पूर्ण नियंत्रण लगाने के लिए किया जा रहा है। आगामी दिसंबर तक ये व्यवस्था अमल में लाई जाएगी। इस प्रयोग पर जानकारी देते हुए अलीगढ़ के जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जिले में POS पॉइंट आउट सेल मशीन के माध्यम से शराब बियर की बिक्री कराने का प्लान तैयार किया जा रहा है। ये प्लान अलीगढ़ जहरीली पूरे प्रदेश भर में लागू कराए जाने को लेकर तैयारी की जा रही है। ये व्यवस्था ठीक मॉल की तर्ज पर होगी। जिस प्रकार मॉल में कोई सामान खरीद करने पर उसे बारकोड द्वारा स्कैन किया जाता है, उसके बाद बिल देकर ग्राहक को दिया जाता है, इसी प्रकार से POS मशीन द्वारा शराब बिक्री करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। अलीगढ़ जिले में 511 शराब के कुल ठेके हैं, जिसमें 128 बियर की दुकानें हैं, 109 अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं। 8 बार जिले में है 249 देसी शराब की दुकानें जिले में हैं और 4 कुल मॉल मॉडल शॉप अधिकतर धूप से जिले में संचालित है। कोरोना के शराब कांड के इतने बड़े के हादसे के बाद किस तरीके आबकारी विभाग ने बदलाव किया है, किस तरीके आदेश और क्या है POS मशीन के लिए? POS मशीन पॉइंट ऑफ सेलिंग मशीन है जो फुटकर दुकानों पर लगाई जाएंगी और फुटकर दुकानों से मदिरा की सेल POS से QR कोड को स्कैन करके उपभोक्ता को दी जाएगी और POR मशीन से जैसे ही वो स्कैन किया जाएगा उसकी बिक्री वो ज्ञात हो जाएगी और मानक उपभोग मदिरा जो है वो उपभोक्ता को मिलेगी। इससे हम जहरीली शराब को भी रोक सकते हैं और ओवर रेटिंग जो हो जाती है कभी कभी वो भी रुक जाएगी। जो मदिरा का निर्धारित मूल्य है मदिरा उस पर बिक्री होगी और बंदी दिवसों में उसकी बिक्री नहीं हो सकती। यदि बिक्री होगी तो POS मशीन से पकड़ी जाएगी। सर, इसमें आम दुकानदारों को जनता को किस तरीके का फायदा रहेगा? दुकानदारों को किसी को लाभ नुकसान नहीं रहेगा तो किससे को नुकसान होगा उसकी दुकानदारी? नुकसान किसी का नहीं है, सिर्फ सही मदिरा जो मानव भोग योग होगी और मानक मदिरा जो अनुज्ञापित दुकानों से बिकेंगी और उससे हमारा राजस्व सुरक्षित होगा। पहले जिस तरीके से डाइल्यूशन हो जाती थी और गलत मदिरा का विक्रय हो जाता था वो नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं जहरीली जो नकली शराब जो बिकती जिस पर लगाम लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा। जहरीली शराब जो मानव मेड होती थी जो माफिया लोग बना लेते थे वो अब नहीं बिक पाएगी जब POS मशीन का उपयोग किया जाएगा। कितनी दुकानें होंगी अब जिले के अंतर्गत? अलीगढ़ जनपद में कुल 511 दुकानें हैं, जिसमें देसी शराब की 249 हैं, विदेशी मदिरा की 109 हैं, मॉडल साहब की 12 हैं, बियर की 128 हैं और भांग की 13 दुकानें हैं। क्या सर, जिस तरीके से ये दिल्ली में इस तरीके की टेक्नोलॉजी दी लाई गई है, क्या इसमें कब से लागू होगी यहाँ पर? अभी तकनीकी उपयोग जो बहुत ही विकसित हो गई हैं उन तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है और बहुत ही जल्दी लागू होगा। जो जितनी भी विकसित तकनीकी हैं
उसका उपयोग किया जा रहा है ताकि विषाक्त मदिरा कांड न होने पाए और जनहानि को रोका जा सके और शुद्ध मदिरा जो मानक जो मानव भोग जो मदिरा है वो हमारी दुकानों से बिक्री हो सके। तो पीओ मशीन कब से लागू हो जाएगी? अभी ये प्रक्रियाधीन है, सभी तकनीकी उसमें विकसित तकनीकियों का उपयोग कराया जा रहा है, बहुत जल्दी ही लागू होगी। शुभनाम सर? मेरा नाम डॉक्टर सतीश चंद है, मैं जिला आबकारी अधिकारी अलीगढ़ हूँ।